गोवा पहुंची। सर हम हमास के फेवर में नहीं, हम फिलिस्तीन के फेवर में। देखिए बैत अल मुकद्दस हमारा है, पहला कावा है, पीछे जैसा भर रहा है। उन्होंने बताया कि क्यों नहीं संगठन हमास को अगले ये बताया। सर हम लोग फिलिस्तीन के फेवर पे, सर हम यहाँ पर ना बोल रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन जो उन्होंने जुल्म हो रहा था उन लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वर्ण के आधे स्टेट इधर है, कुछ स्टेट इधर है। बहुत अच्छा बात है, एक मैंने कहा है। क्या देखिए अगर कोई जी ये देखिए सरकार एक ही है। क्या बोलेंगे, डाउट क्लियर तो डाउट रहता है, क्लियर करने के लिए आप देखिए हमारे सीनियर साथ को लेना जिसको पैसे लेके लिखा है। लेकिन कैसे आपने देखा क्या कैसे यार वेरीफाइड मैसेज है जो कि बहुत जगह पे आया है। इसलिए ये मैसेज की वजह से अपने आप मीटिंग लिए। मैसेज में ये जो बोले ये मैसेज में लिखा है सर ये जो है मीडिया प्रोपोगंडा कर रहा है, मीडिया जो है प्रोपोगंडा कर रहा है, ये तो कुछ नहीं है। मुसलमान जितने भी हैं सारे के सारे फिलिस्तीन के समर्थन में, ना हमास के ना हिजबुल्लाह के, वो आतंकवादी संगठन आपको कुछ लेना नहीं है, वो है नहीं है, हमको कुछ लेना नहीं है। अल-अक्सा मस्जिद, अल-अक्सा मस्जिद हमारा पहला काबा है, हम उसके समर्थन में वहाँ पर हमें जाना है, उसके समर्थन में बैतुल मुकद्दस वहाँ से हमारे सभी नबियों ने वहाँ पर नमाज अदा की है, वहाँ से हमारे नबी महराज पे गए, तो हमारे लिए बहुत। ये मीडिया कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहा है, ये जबरदस्त जो बीच में बात की ना, तो हमें यही याद रहता है। अब आप लोगों को जो उभर रहे हैं ऐसे जो मैसेजेस आ रहे हैं, ये मैसेजेस आ रहे हैं इसके बारे में हमने आपकी मीटिंग कॉल कर दिया। अभी आपकी जिम्मेदारी है, हमारा काम हम आपके ऊपर सौंप दिया हमने, आपको सभी लोगों को समझा रहे जी। चलो थैंक यू सर। सर सर उसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो अभी कल्याण अपना स्कूल में जो हादसा हुआ उस ताल्लुक से कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं है। एक बात है, मैं पहले ये करता हूँ, किसी भी बात के लिए विदाउट परमिशन जमा होना 200-250 लोग आना ये गलत बात है, दैट इज टोटली इलीगल। लेकिन दूसरी बात है, जिस बात के लिए गए उसके लिए वो इंश्योर करके बिल्कुल हम फायदे से स्ट्रिक कार्रवाई करेंगे, वो हमने इंश्योर किया। लेकिन कुछ भी होता है भीड़ करके जाना वगैरह ये गलत। सर 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 दो दिन हो गया उस इशू को, क्या सर इशू को दो दिन हो गया स्टेशन में किसने कंप्लेंट की? सर पुलिस स्टेशन कंप्लेंट की बात नहीं है, बट इशू अगर उसने क्रिएट किया है तो उसमें पुलिस की तरफ से कोई एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक्शन के लिए बोला था कल सीनियर के कि ट्रांसफर हुई जी, बेशक हमको पता चला नए सर आए। सर एक्चुअली हम लोग कम ही लोग जमाते हैं वहाँ, सर नहीं है उनके यहाँ पर भीड़ बढ़ गई था। बीच में से निकल के क्योंकि लगा मीटिंग भी बहुत सीरियस है। आपने रोका के 8 केसेस लिए रोका के, जो कि पिछले साल एक भी नहीं था। रोका बनाना इतनी आसान बात नहीं है, एपीडीए करने के लिए इतनी ज्यादा पर्चा हुई उसके बारे में क्या होता है। क्योंकि आपसे बात करने के लिए वो जो है उसके ऊपर हम लीगल एक्शन लेने के लिए कुछ नहीं कहते। लेकिन मेरा सुझाव आपको यही है, क्राउड करना या भीड़ करना ये नहीं होना चाहिए। कमेंट में ना उसने अल्लाह और अल्लाह के नबी को गाली दिया है एक अनिल यादव करके, तो हम लोग टाइगर में लेके आएंगे एप्लीकेशन उसके लिए। आप रिक्वेस्ट करना आप जो एविडेंस 4 से ज्यादा लोग नहीं आए।